हेलो, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स में, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सलमान खान ने दबंग 4 की तैयारी शुरू कर दी है। खबर आ रही है कि इस फिल्म पर एटली काम करेंगे। एटली इस बारे में सलमान खान और अरबाज खान के साथ भी कुछ मीटिंग्स कर चुके हैं, मगर दबंग की कहानी को आगे से जाने की बजाय पीछे ले जाने की तैयारी चल रही है। यानी चुलबुल पांडे के कैरेक्टर पर स्पिन ऑफ फिल्म बनाने को लेकर बातें चल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली अपनी अगली फिल्म के साथ रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल को बड़े पर्दे पर एक साथ ला रहे हैं। और अब खबर है कि SLB अपनी फिल्म में एक कॉम्प्लेक्स ग्रे कैरेक्टर के तौर पर रणबीर कपूर को लाने वाले हैं। इस कैरेक्टर में हीरोइज्म के साथ साथ आपको एक साइकिक माइंडसेट भी देखने को मिलने वाला है। ये SLB की अभी तक की सबसे कॉम्प्लेक्स फिल्मोग्राफी में से एक होने वाली है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल और उनके पति भरत तख्तानी के तलाक की खबर सामने आ चुकी है। ईशा देओल और भरत तख्तानी शादी के 12 साल बाद अलग हो चुके हैं। ईशा देओल और भरत ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है और बताया है कि ये फैसला उन्होंने आपसी सहमति से लिया है। बिग बॉस 17 के रनर अप अभिषेक कुमार ने मंगलवार को एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वहीं बिग बॉस 17 की वाइल्ड कार्ड एंट्री आयशा खान ने अभिषेक कुमार की पार्टी में भी तहलका मचा दिया। आयशा के हॉट लुक ने पार्टी में हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पार्टी में आयशा खान ब्लैक कलर के बॉडीकॉन ड्रेस में पहुंची थी और अपनी कर्वी बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए नजर आई थी। प्रभास के फैंस थिएटर्स के बाद सालार के OTT रिलीज की राह देख रहे थे और अब लगभग एक महीने बाद फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। वहीं अब फैंस की भारी मांग को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का एक और वर्जन इंग्लिश में रिलीज किया है, लेकिन हिंदी वॉचर्स के लिए अभी भी निराशा है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म फाइटर एक विवाद में फंसती नजर आ रही है। विवाद फिल्म के एक सीन को लेकर हुआ है, जिसमें ऋतिक और दीपिका एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर किस करते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि किसिंग सीन भारतीय वायुसेना की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि वायुसेना की वर्दी में ये किसिंग सीन फिल्माया गया है। 14 साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं और प्रियदर्शन ने इस बात पर खुद ही मोहर लगाई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनकी ये फिल्म एक कॉमिक फैंटेसी मूवी होगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म एकता कपूर द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी और मूवी की शूटिंग सितंबर से शुरू होने वाली है। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेंसेशन ओरी का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ओरी अभिषेक कुमार की पार्टी में टेबल के ऊपर चढ़कर डांस करते नजर आ रहे हैं। ओरी का यह अतरंगी अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। करीना कपूर खान का अभी हाल ही में एयरपोर्ट से एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में करीना कपूर धांसू स्टाइल में दिखाई दी हैं। करीना कपूर का ये वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। करीना कपूर इस वायरल हो रहे वीडियो में एयरपोर्ट पर एंट्री करती दिखाई दे रही हैं और वहीं कपूर ने एयरपोर्ट पर एंट्री करने से पहले पैप्स को बाय भी किया। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।